So a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the railways, airport and waterways. I welcome you all for the module 4, that is airport pavement design. So this airport planning and design, in this entire module, we are talking about the different elements such as taxiway, pavement design. And in this particular lecture, this will be dedicated to the numericals of the pavement design. So till now we have seen so many numericals related to the taxiway, runway, corrections for the temperature and corrections for the elevation, etc. Now this particular lecture will be all about the how we design an airport pavement. Okay, so in order to design an airport pavement, I've already told you. Now we'll talking about the numericals and what will be the approach to solve that numerical. So let us have a numerical, and the numerical is the plate bearing test. The first numerical is the plate bearing test. The plate bearing test gave a safe load of 30,000 kg. The diameter of the plate was 75 cm. Calculate the LCN. Calculate the LCN of the pavement also determine the suitability of the pavement to receive an aircraft having ESWL of 22,500 kg and tire pressure of 10 kg/cm². इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़िए. ये न्यूमेरिकल कह रहा है द प्लेट बियरिंग टेस्ट. हमने प्लेट बियरिंग टेस्ट परफॉर्म किया, गिव अ सेफ लोड ऑफ 30,000 kg, राइट. द डायमीटर ऑफ द प्लेट वॉज 75 cm. कैलकुलेट द एलसीएन ऑफ द पेवमेंट फुल स्टॉप. ऑल्सो डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द पेवमेंट टू रिसीव एन एयरक्राफ्ट having ESWL of 22,500 kg and a tire pressure of 10 kg/cm². So इसके सोल्यूशन पे बात करें तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा बताइए. इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ द बियरिंग प्लेट.
तो कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ बियरिंग प्लेट लोड बाय एरिया ऑफ द प्लेट. तो हमारे पास लोड कितना है 30,000 पाई बाय 4 इसको 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब एक काम करो, अगर हमको एक चार्ट पहले बनाना पड़ेगा.
इसमें देखिए, पहले हमें कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ द बियरिंग प्लेट निकालना होगा, ये होगा लोड अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। तो लोड अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट करोगे तो वो 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर हम रेफर टू चार्ट करेस्पॉन्डिंग टू ESWL ऑफ 30,000 केजी एंड टायर प्रेशर ऑफ 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर LCN ऑफ द पेवमेंट इक्वल्स टू कितना है 50, ठीक है। तो रेफर टू द चार्ट करस्पॉन्डिंग टू ESWL ऑफ 30,000 केजी एंड टायर प्रेशर ऑफ 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में हमको LCN मिल गया पेवमेंट का 50, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम LCN रिक्वायर्ड फॉर द ESWL ऑफ 22,500 केजी के लिए जाते हैं तो टायर प्रेशर कितना हो जाएगा 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस केस में जो हमारा LCN है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस केस में ये हो जाएगा 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो किस पे निकालना है, 22,500 केजी पे एंड द टायर प्रेशर ऑफ 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके केस में जो आपका LCN वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 70, ठीक है। पहले हमने क्या किया, द प्लेट बियरिंग टेस्ट गेव अ सेफ लोड ऑफ 30,000 केजी, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द प्लेट वॉज 75 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द LCN ऑफ द पेवमेंट, ऑल्सो डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द पेवमेंट टू रिसीव एन एयरक्राफ्ट हैविंग ESWL ऑफ 22,500 kg and tire pressure of 10 kg per centimeter square. So first of all, we have to calculate the contact pressure of the bearing plate, that is equals to load upon area of the plate. So load upon area of the plate, it gives you 7 kg per centimeter square. अब इस basis पे 37 kg per centimeter square, ठीक है, 7 kg per centimeter square और 30,000 केजी पे 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 50, ठीक है, वो हो जाएगा 50, ठीक, LCN की वैल्यू। और अब LCN की वैल्यू हमको किस पे निकालना है, 22,500 केजी है हमारे पास, सो अगेन रेफरिंग टू चार्ट करस्पॉन्डिंग टू ESWL ऑफ 22,500 kg एंड टायर प्रेशर and tire pressure of 10 kg per centimeter square, the designed value of LCN will be, chart pe jaiye, 22,010, it will be 70. तो इस केस का आंसर पहले आएगा आपका 50, एंड 70। इस वे में इसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करो, एक बार इसको नोट करिए।
इसको नोट करिए, नोट इट डाउन। जब ये नोट हो जाएगा तो उसके बाद हम दूसरे न्यूमेरिकल पे जाएंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल में हमको जो है रिलेशनशिप पे देखना पड़ेगा, ईएसडब्ल्यू, एलसीएन और टायर प्रेशर पे। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि प्लेट बियरिंग टेस्ट में सेफ लोड कितना दिया है, वो दिया है 30,000 केजी। डायमीटर प्लेट का कितना दिया है, 75 सेंटीमीटर। एलसीएन ऑफ द पेवमेंट, ठीक है, हमें पेवमेंट का एलसीएन निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ द पेवमेंट टू रिसीव एन एयरक्राफ्ट हैविंग ईएसडब्ल्यूएल ऑफ 22,500 केजी एंड टायर प्रेशर ऑफ 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमको जो चार्ट है, जो रिलेशनशिप आपका ईएसडब्ल्यूएल, एलसीएन और टायर प्रेशर के बीच का जो रिलेशनशिप है, हम वहां से ही निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ड्यू टू due to increase in air traffic a rigid pavement of 20 सेंटीमीटर थिकनेस इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ रिजिड ओवरले फॉर द फॉलोइंग टू कंडीशन, फॉर
for the thickness of rigid overlay for the following two conditions of 10 centimeter thick existing thick existing rigid pavement. Condition number one, existing rigid pavement is in good condition. ये पहला है. दूसरा है existing rigid pavement is badly cracked due to increase in the air traffic. A rigid pavement of 20 cm thickness is required. ठीक है. Calculate the thickness of rigid overlay for the following two conditions of 10 cm thick existing rigid pavement. पहला है existing rigid pavement is in good condition. ठीक. दूसरा है existing rigid pavement is badly cracked. ठीक है. पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है एग्जिस्टिंग रिजिड पेवमेंट existing rigid pavement is in good condition. Existing rigid pavement is in good condition. तो क्या होगा? In this case, coefficient C equals to 1, the rigid overlay thickness is calculated by applying both the equations. कौन कौन सी equations हैं? पहला है HC under H 1.4 minus C HE 1.4 in the given problem H equals to 20 centimeter, C equals to 1 and HE equals to 10 centimeter. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? HC
equals to 1.4 21.4 minus 1 into 10 1.4. So HC equals to 14.23 सेंटीमीटर. ठीक है, पहले यहां तक समझने की कोशिश कीजिए. ब्लैक बोर्ड पे देखिए, हमारा पहला कंडीशन दिया है कि एग्जिस्टिंग रिजिड पेवमेंट जो है वो गुड कंडीशन में है. गुड कंडीशन में है मतलब हमारा जो कोफिशियंट है वो C इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. ठीक है, रिजिड पेवमेंट रिजिड ओवरले थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो एच सी इक्वल्स टू 1.4 ब्रैकेट अंडर रूट एच की पावर 1.4 माइनस सी एच ई 1.4. इस केस में आप देखिए, इंक्रीज इन द एयर ट्रैफिक रिजिड पेवमेंट ऑफ द थिकनेस 20 सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, सी इक्वल्स टू 1 है और वो जो है कैलकुलेट थिकनेस ऑफ रिजिड ओवरले, रिजिड ओवरले का कितना है 10 सेंटीमीटर, तो एच ई इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. तो एच सी की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, 14.23 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 23 सेंटीमीटर आ गया. अब दूसरे केस में क्या करेंगे, नाउ एच सी एच स्क्वायर माइनस सी एच ई स्क्वायर एच सी इक्वल्स टू 20 स्क्वायर माइनस 110 स्क्वायर एच सी इक्वल्स टू 17.32 सेंटीमीटर. ये दूसरा केस हो गया. तो हम क्या करेंगे, कौन सा थिकनेस अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट दी थिकनेस इन दिस कंडीशन एज 18 सेंटीमीटर. ठीक है, देखो पहले क्या है, पहले केस में गुड कंडीशन में है, तो इस केस में हमारा रिजिड ओवरले का कितना थिकनेस आया, 18 सेंटीमीटर. अब बैडली क्रैक्ड है तो इस केस में सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.35. ठीक है, और दूसरे कंडीशन में नाउ कमिंग टू दी सेकेंड कंडीशन, तो रिजिड ओवरले का थिकनेस पहले केस में कितना हम अडॉप्ट कर लेंगे, 18 सेंटीमीटर. सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास,
आप एक चीज का बस ध्यान देना है, जब दोनों केस आपको दिया हो, गुड कंडीशन और बैड कंडीशन, तो गुड कंडीशन में सी की वैल्यू 1 लिखो, ठीक है, 1 एडॉप्ट करो, और उस केस में जो आपका थिकनेस आएगा वो आएगा h इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, और जब c की वैल्यू 0.35 लोगे तो उस केस में हमारा वैल्यू आएगा h इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। ये है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक बार मैं और बताऊंगा आपको। इसको नोट कर लीजिए। देखो क्या है इस केस में, ये कह रहा है कि ट्रैफिक के इंक्रीज की वजह से एक रिजिड पेवमेंट का थिकनेस 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। हमें रिजिड ओवरले दो कंडीशन में, 10 सेंटीमीटर थिक एग्जिस्टिंग है तो दो कंडीशन में उसकी थिकनेस हमको निकालनी है, जब हमारा रिजिड पेवमेंट गुड कंडीशन में है और जब हमारा एग्जिस्टिंग रिजिड पेवमेंट बैडली क्रैक्ड है, ठीक है। तो हमारा जब बैडली गुड कंडीशन में है तो उस केस में हमारे पास तीन चीजें हैं, h की वैल्यू 20, c की वैल्यू 1 एंड h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो hc इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसमें हमने वैल्यूज को पुट किया तो hc की वैल्यू 4.23 सेंटीमीटर हो गया, और एक और वैल्यू आएगी वो है 17.32 सेंटीमीटर। तो हायर ऑफ द अबव, ठीक है, हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, 18 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम बैडली क्रैक कंडीशन में जाएंगे तो c की वैल्यू हम ले लेंगे 0.35, ठीक है। जब हम c की वैल्यू 0.35 ले लिए तो उस कंडीशन में हम hc की वैल्यू निकालेंगे और दोनों फॉर्मूले से, तो उस केस में जो 18.07 और 19.10 आया उसमें हम 19.10 सेंटीमीटर लेंगे, तो एडॉप्ट कौन सा करेंगे, 19.10 सेंटीमीटर। उसके बाद तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर गुड कंडीशन में h इक्वल्स 18 सेंटीमीटर और बैडली क्रैक में 19 सेंटीमीटर। यही है आपका पूरा पेमेंट, एयरपोर्ट पेमेंट डिजाइन से रिलेटेड एग्जिस्टिंग पेमेंट और रिजिड पेमेंट पे सवाल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यही आज के न्यूमेरिकल्स हैं और यही आपका एयरपोर्ट पेमेंट डिजाइन के टाइप्स हैं न्यूमेरिकल की, इससे ज्यादा नहीं आएगा उसमें। तो ये रहा आपके एयरपोर्ट पेमेंट डिजाइन्स पे न्यूमेरिकल, ठीक है। ये दो तरह के न्यूमेरिकल्स मैंने आज आपको बता दिया, एक तो आपको थिकनेस निकालना था और दूसरा ESG LCN की वैल्यू निकालनी थी। तो LCN की वैल्यू निकालने के लिए हमको जो उसका रिलेशनशिप चार्ट है उसके थ्रू हमें फाइंड करना रहेगा, और अगर हमको पेमेंट का डिजाइन करना है तो वो HC की वैल्यू को निकाल के करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई डाउट है इन सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो आप डायरेक्टली मेरे प्रीवियस वीडियोस पे भी जा सकते हैं, या तो यू कैन मेल मी एट ankur495@bit.ac.in। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग इट टू पेशेंटली, और आप इसको एक बार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल बी देन ईजी फॉर यू टू यू नो टू प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल।
So thank you for listening to patiently. Have a good day, and best of all luck to every student. Thank you. Thank you so much.